अब राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए? हाँ हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार त्रिकूट नामक पर्वत, उसके पास एक सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक एक हाथी आया करता था, और हाथी भी कैसा सफेद हाथी, जिसके सुगंध से शेर तक भाग जाए। केवल सुगंध से, देखना तो दूर की बात, उसकी सुगंध भी आ जाए तो सिंह भी डर के मारे भाग जाए, ऐसा हाथी। वो उस सरोवर में अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ आता है, क्रीड़ा करने, खेल करने। कभी सून में पानी भरे बच्चों की ओर फेंके, बच्चे नाचने लग जाए। कभी सून में पानी भर के पत्नी की ओर फेंके, पत्नी शर्मा जाए। यहां क्रीड़ा करते करते पानी में एक ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह ने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। अब गजेंद्र तो अपने अहंकार में, घमंड में कि एक छोटा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। गजेंद्र यानी हम, ग्राह यानी काल। काल जब आता है सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। अब पैरों में दर्द रहने लग गया है, घुटने दर्द देते हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता है कि नहीं, सबसे पहले पैरों को ही काल पकड़ता है। पर हम गजेंद्र जैसे कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो गजेंद्र के पैरों को ग्राह ने पकड़ा। अब गजेंद्र अपने अहंकार में, कभी गजेंद्र ग्राह को ऊपर खींचे, कभी ग्राह गजेंद्र को नीचे खींचे। अब पानी में रहते रहते ग्राह की तो शक्ति बढ़ती जा रही है और गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि वो पानी का पशु नहीं है। अब यहां पर खींचते 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 वो गजेंद्र को बहुत नीचे लेकर आ गया, ज्यादा नीचे आने लगा। तब गजेंद्र ने आवाज लगाई, अपने पत्नी को पुकारता है कि मुझे बचाओ। पत्नी ने कहा, बचा तो लूं, पर क्या पता वो आपके पैरों को छोड़कर मेरे पैरों को पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों को पुकारता है, कह रहे तुम्हारे लिए तो मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारी प्रसन्नता पे त्याग दिया, अपने सपने त्याग दिए सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, तुम तो मेरी रक्षा करो। बच्चे कहते, पिताजी चिंता मत करिए, आपका काम हम अच्छे से करेंगे, पैसे की कमी नहीं रखेंगे। गजेंद्र ने कहा, मैं जीवित बैठा हूं अभी और कह रहे मेरा काम अच्छे से करें। रिश्तेदारों को पुकारता है, सबको, कोई बचाने नहीं आता। और जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, हर किसी से हार। हम भी ऐसे ही हैं, 10 जगह घूमेंगे, 10 सेठों के पास जाएंगे, सोर्स लगवाएंगे, जब कोई सहायता नहीं करता तब भगवान याद आते हैं। तब उसने आवाज लगाई, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करिए, हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करिए। तो महाराज अब यहां पर जब सब जगह से हार गया, तब गजेंद्र ने ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी को पुकारते ही ठाकुर जी आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं और ग्राह का उद्धार करते हैं। अब गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। धाम लेकर आते हैं तो गजेंद्र ने आकर क्या देखा कि वो ग्राह पहले से ही वहां बैठा है। गजेंद्र ने कहा, प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मुझसे पहले आकर बैठा हुआ है। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे तो इसे नरक लोक ही जाना था, लेकिन अब जब इसने मेरे भक्त के ही चरण पकड़ लिए तो फिर ये नरक लोक कैसे जाता, मुझे इसे अपने धाम ही लाना पड़ा। अब यहां पर सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये गजेंद्र, ये ग्राह, ये दोनों कौन थे, ये इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि भगवान के धाम ठाकुर जी लेकर आए ने। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो ग्राह था, ये उटुर नामक एक गंधर्व था,
इसी सरोवर में, त्रिकुट पर्वत के पास जो सरोवर, इसी सरोवर में ये अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने के लिए आया। उस सरोवर में एक संत, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे खड़े होकर सरोवर के बीच में। अब छोटे बच्चे थे साथ में गंधर्व के, उसने विचार किया बच्चों को थोड़ा हंसाया जाए, तो उसने बच्चों से कहा कि अभी देखना मैं क्या करूंगा, ये जो ऋषि खड़े है ना, ये डर के मारे उछलेंगे, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी तैयार हो गए। पानी के अंदर ये गंधर्व जाता है और अंदर से उसने जाकर ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। अब ऋषि को लगा कि कोई जल का पशु है या ग्रह इत्यादि है, वो जोर से डर के मारे उछले, कमंडल कहीं गिरा, वो कहीं जाकर गिरे। जब होश में आए तो उन्होंने देखा सामने कुछ बच्चे हंस रहे हैं, वो गंधर्व हंस रहा है। उन्हें बड़ा क्रोध आया, उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस ग्राह का तूने स्वांग रचा है ना, उसी योनि में प्रवेश कर। अब श्राप मिलने के बाद वो चरणों में गिर जाता है कि प्रभु मैंने बस बच्चों को हंसाने के लिए किया, जो किया माना गलती की, लेकिन कोई गलत भावना के साथ नहीं, अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए। तब ऋषि ने कहा कि श्राप को तो नहीं टाला जा सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आएंगे, तुम्हें अपने धाम लेकर जाएंगे। बोले और ये गजेंद्र कौन था? ये इंद्रदुम नामक एक राजा था, बहुत अच्छा राजा, लेकिन बहुत वाचाल। वाचाल यानी जो बहुत बोलते हैं। देखिए मैं तो कथा कर रही हूं इसलिए मुझे 4 घंटे बोलना पड़ता है। तो राजा बड़े वाचाल थे, बहुत बोलते हैं, जो उन्हें वाचाल कहते हैं, अच्छी आदत नहीं है। तो गुरु ने उन्हें समझाया कि राजा ये आपकी अच्छी आदत नहीं है, आप दिन में कुछ देर मौन व्रत धारण किया करिए, और उस समय जब मौन व्रत धारण किए हो तब भगवान का नाम मन में लिया करें, तो इससे एक तो भगवान का नाम भी आपसे लिया जाएगा और आपकी जो बोलने की आदत है वो भी कम हो जाएगी। राजा ने कहा अच्छी बात है। शाम का समय उन्होंने चुना कि दिन में तो राजकाज के कार्य होते हैं, लोग मिलने आते हैं, तो शाम के समय अपने उद्यान में जाकर वो बैठते, मौन व्रत का धारण करते, भगवान का नाम जपते। एक दिन एक ऋषि वहां से जा रहे थे, उस उद्यान के सामने से उन्होंने राजा को बैठे हुए देखा। राजा के पास जाते हैं, राजा को प्रणाम किया। अब राजा कुछ बोल नहीं सकते तो उन्होंने सर हिलाकर प्रणाम किया। ऋषि ने उसका गलत मतलब निकाल लिया, उन्हें लगा कि राजा को अहंकार हो गया है, तो सर हिलाकर मुझे कह रहे कि हाँ ठीक है जाइए, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जिस हाथी की तरह तुम सर हिला रहे हो ना, मैं श्राप देता हूं तुम उसी योनि में चले जाओ। जब मौन व्रत टूटता है तब वे उन्हें जाकर समझाते हैं कि महाराज मैं गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा था मौन व्रत धारण करने को, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका। ऋषि को दया जाती है। देखिए महाराज, जो ऋषिगण संत होते हैं ना, उन्हें क्रोध जल्दी आता है पर दया भी जल्दी आ जाती है। तब उन्होंने कहा ठीक है, श्राप को नहीं टाल सकते पर तुम्हारा उद्धार करने खुद भगवान आएंगे, इसलिए इन दोनों को ऐसी गति प्राप्त हुई। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ठाकुर जी ने एक पशु को दर्शन दिए,